उ एंड मेडिकल स्टूडेंट ओरम्बक स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड इन दिसक बोर्ड भैया बिना नीट के भैया बिना नीट के एम बी में एडमिशन हो जाते हैं क्या बिना नीट के हम फिर इंडिया में आके प्रैक्टिस कैसे कवेंगे बाहर जाके ही सेटल होने का प्लान है सेटल कैसे हो सकते हैं कितना पगार मिलता है अरे भाई रुको जरा सबर करो यदि आपको इंडिया में वापस आके नेक्स्ट एग्जाम देना है तो आपको यहां से इंडिया से नीट क्वालिफाई करके जाना पड़ेगा यदि आप नीट अन होके जाते हैं तो आप इंडिया में कभी भी नेक्स्ट एग्जाम नहीं दे पाएंगे डॉक्टर आर्या दो हजार चौबीस में मुझे एडमिशन लेना है तो या तो मैं दो हजार बाईस में क्वालिफाई चाहिए या तो तेईस में या तो चौबीस में क्योंकि एक नीट रिजल्ट तीन साल तक चलता है याद जब जा आप बाईस में क्वालिफाई थे तो आप उससे तेईस में एडमिशन ले सकते थे और चौबीस में भी ले सकते हैं तेईस में क्वालिफाई है तो सेट चौबीस पर एडमिशन हो जाएगा चौबीस में है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है लेकिन यदि बाईस में क्वालीफाई है तेईस में फेल हो गए चौबीस फेल हो गए कोई दिक्कत नहीं है बाईस वाले रिजल्ट से एडमिशन आपका हो जाएगा एक नीट रिजल्ट तीन साल तक वैलिड है इसका कोई दिक्कत नहीं है जिस वजह के आपको कन्फ्यूजन है तो मेरे को मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पर या इंस्टाग्राम पर कि भैया मेरा ऐसा ऐसा ये सुन रहे हैं बताइए मैं वैल्यूट हुई नहीं नीट नीट क्वालिफाई कर गया तो इंडिया आके आप नेक्स्ट एग्जाम दे पाएंगे इंडिया में प्रैक्टिस कर पाएंगे इंडिया में एंडनशिप कर पाएंगे इंडिया में आप लाइसेंस ले पाएंगे एम का यदि आप नीट अन कर गया तो क्या यदि आप नीट अन क्वालिफाई करिए मतलब आप इंडियन जो एन है उसका बात नहीं सुन रहे हो आप नीट क्वालिफाई करके नहीं गए हो आपको नेक्स्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं होते आप नेक्स्ट एग्जाम जो देते हैं इंडिया में लाइसेंस के लिए या एफ एग्जाम जो भी बोल रहे हो अभी तो नेक्स्ट हो जाएगा तुरंत दो से नेक्स्ट हो जाएगा वो आप दे नहीं पाएंगे ठीक है नेक्स्ट एग्जाम यदि आप नहीं दे पाएंगे तो आपको इंडिया में एमबीबीएस का लाइसेंस नहीं मिलेगा अभी आपको अगर इंडिया में प्रैक्टिस करना ही है तो क्या यदि आपने छ साल रशिया से एमबीबीएस करी अब आप बाहर पीजी के लिए जाएंगे एमडी कोर्स के लिए जाएंगे अपने हायर एजुकेशन जाएंगे। पांच कंट्रीज़ है जहाँ का लाइसेंस अगर आपने ला लिया तो वो इंडिया में आप वैलिड हैं मतलब यदि कोई बच्चा अमेरिका से अमेरिका का लाइसेंस आता है यूएसए एस एग्ज़ाम ट्रैक करता है वहाँ का लाइसेंस आता है तो आप वो इंडिया में भी चल जाएगा आप इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हो तो पांच कंट्रीज़ है यूके यूएस कनाडा, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया ये पांच कंट्रीज में से किसी भी जगह यदि आप एग्ज़ाम यदि वहाँ का आप मेडिकल या प्रैक्टिस करने का डॉक्टर का एमबीबीएस बी बी का लाइसेंस होल्ड करते हो आप इंडिया में एज अ डॉक्टर काम कर सकते हो तो ये एग्ज़ाम बहुत टफ होती है तुमको जो लग रहा है ना जो बच्चे बोलते हैं कि भैया मैं बाहर ही सेटल होना चाहता हूँ तो वह अच्छी बात है वो तुम्हारा डिसीजन है लेकिन उसके लिए तुम नीट अनकालीफाई होके जाओगे नीट दोगे नहीं एक गलत बात है हमेशा सबसे पहले इंडिया को प्रायोरिटी दो नेक्स्ट एग्जाम को प्रायोरिटी दो बाद में तुमको नेक्स्ट देना नहीं ने देना वो तुम्हारी इच्छा है लेकिन हमेशा एक तुम्हारे पास सेफ ऑप्शन होना चाहिए कि मैं अपने इंडिया का भी अपने नेक्स्ट एग्जाम दे सकता हूँ यूएस या प्लेब यह सब बहुत टफ एग्जाम्स हैं ठीक है ये एफ एम जी के कम्पेरिजन में नेक्स्ट की कंपेरिजन में इन एग्ज़ाम का लेवल बहुत टफ़ है यू एस एमली वन ऑफ़ द टफेस्ट एग्जाम एम बी बी एस के बाद के कोर्स की ठीक है नीट पी जी जो बोलते हैं वैसे ही पी जी के लिए यू एस एम बली इज़ वन ऑफ़ द टफेस्ट एग्जाम तो तुम जितना हलवा इसको समझ रहे हो ना कि भैया मेरे से नीट क्वालीफाई नहीं हो सकता वैसे तो तो मैं बाहर सेटल हो जाऊँगा तो इस बात पर ध्यान दो कि ये सब एग्जाम बहुत टफ है अब्रॉड सेटल हो गए तो बहुत ही ज़्यादा टफ एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा ही पढ़ना पड़ेगा उसलिए रेडी हो तो ही नीट ना देने के लिए इसलो बाहर सेटल होने में कोई दिक्कत कोई ख़राबी नहीं मैं ये नहीं बोल रहा कि कोई ख़राबी है लेकिन नीट दे के जाओ नीट क्वालिफ़ाई करके जाओ हमेशा फ़ायदे में रहोगी सभी बच्चे प्लीज़ आप नीट का फॉर्म भरें नीट एग्ज़ाम दें अपेयर करें और उसको क्वालिफाई करने का कर ट्राई करें सब क्वालिफाई करके ही अब्रॉड जाए और ऐसा भी नहीं हो सकता कि भैया मैं इस साल चला गया अगले साल आके नीट क्वालिफाई कर दूंगा वो बंद हो गया रूल वो एक बार था कोविड के टाइम पे 2020 बैच के लिए क्योंकि 2020 के बैच के बच्चों पेपर बहुत सारे छूट गए थे उनको था कि 20 वाले में एडमिशन ले लो 21 मिनट दे देना अभी ऐसा नहीं होता जब जा रहे हो तो उसके वो ईयर उसका पहला ईयर उसके पहले ईयर नीट क्वालिफाई आपने होना चाहिए कोई भी तीन ईयर में ठीक है यदि चौबीस में मैं जा रहा हूँ या तो मैं बाईस में क्वालिफाई होना चाहिए या तो तेईस में या तो चौबीस में आप चौबीस में जाके चौबीस में मान में क्वालिफाई होकर पच्चीस में इंडिया जाके नीट एग्ज़ाम अगर देंगे क्वालिफाई होगी तो वो मायने नहीं रखता वो गलत है बहुत सारे एजेंट अभी ये फ्रॉड करते हैं ठीक है आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा बाहर सेटल होने का बहुत इतना ईजी नहीं है बहुत टफ एग्ज़ाम से बाकी ये थी वीडियो और वीडियो चले तो लाइक करना चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर देना और मैं आपसे नेशनल डेड में और किसी अगर और कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं मेरा कांटेक्ट डिटेल भी डिस्क्रिप्शन में आप मैसेज भी मुझे कर सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद